students, welcome to this e-learning session of Delta Home. Today's topic is asexual reproduction in lower animals. Now, first of all, we see that what is reproduction? Reproduction means kya hota hai? Reproduction means about the producing of their life from this pre-existing one. Jo hum new life ko produce kar rahe hai, new offspring produce hoga from pre-existing life se, usse hum kehte hain reproduction. But their reproduction having this two types, that is asexual aur dusra hota hai sexual. To aaj ke topic mein hum asexual padhenge, wo bhi animals ka. So asexual reproduction in our lower animals. Ab jo hai isme lower animals reproduce asexually by this gemmal formation and budding. इसकी जो प्रोड्यूस होने की मोस्टली जो है जेमिल फॉर्मेशन एंड बडिंग एंड ऑल्सो डॉल्सपिका, लेकिन सबसे पहले डिस्क्रिपिंग ये दोनों ज्यादा यूज होते हैं, दैट इज जेमिल फॉर्मेशन. जेमिल फॉर्मेशन जैसे कि ये होता है स्पॉन्जेलिया. स्पॉन्जेलिया में क्या होता है, दिस वन इज ये स्पॉन्जेलिया. इसके अंदर में छोटे छोटे जो गोल जैसे होते हैं उसे कहते हैं आर्चियोसाइट्स. ये जो छोटे है छोटे 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 स्पॉन्ज लिया है, उसको हम छोटे छोटे एग्स जो रहते हैं उसे हम कहेंगे आर्चियोसाइट्स. ये इनर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन, आउटर दिस वन इनर मेम्ब्रेन, मैक्स मोनैक्सोन स्पिनिकल्स, ये प्रोटेक्टिंग एंड नरिशमेंट प्रोवाइड्स करते हैं स्पॉन्ज लिया को. एंड व्हेन द कंडीशन इज फेवरेबल, जब वाटर एंड टेम्परेचर जब इसको फेवरेबल होगा तब इस माइक्रोफाइट से बहुत सारे स्पॉन्जेलिया बाहर आते हैं, उस वक्त उसे कहा जाता है जेमिल फॉर्मेशन, क्योंकि ये नरिशमेंट प्रोवाइड कर रहा, एक इसमें ये प्रोटेक्टिंग हो रहे हैं और आर्चियोसाइट जब इसके अंदर होते हैं उसे प्रोटेक्टिंग कवरिंग होता है, उसे हम कहते हैं अमीबोबाइट्स. और उसके अंदर जब ये फेवरेबल कंडीशन हो तभी बाहर आते हैं, इसको कहते हैं हम जेमिल फॉर्मेशन. ये थोड़ा सा हमने पहले पढ़ा नहीं है, फर्स्ट टाइम पढ़े हैं, इसलिए दैट्स अ माइक्रोफाइट, मोनैक्सोन स्पिनिकल्स और इनर एंड आर्चियोसाइट आउटर मेम्ब्रेन. इस तरीके से स्पॉन्जेलिया में रिप्रोडक्शन होता है. नाउ नेक्स्ट वन इज द बडिंग इन हाइड्रा. ये बहुत बार हम सुन चुके हैं, बहुत बार हमने देखा है, सो इट्स नॉट टू मच हार्ड फॉर यू. अब देखिए बट इसमें हाइड्रा में क्या होता है, ये मीन वाटर प्लांट से ये ओशन में होते हैं, सॉरी एनिमल्स ये ओशन में होते हैं. सो क्या होता है, ये बड़े सबसे पहले ये हाइड्रा में छोटा बढ़ाएगा, उसके बाद ये डेवलप होगा. ये मीन पेरेंट जो है इसे नरिशमेंट तब तक देगा जब तक ये फुली मैच्योर्ड बर्ड फुल्ली मैच्योर नहीं होता है. ये मेन पेरेंट्स बर्ड है, ये उसका ऑफस्प्रिंग है, और ये जब तक पूरा मैच्योर नहीं होता तब तक ये पेरेंट्स इसको अपने साथ अटैच रह के उसे नरिशमेंट फूड प्रोवाइड करते हैं. जैसे ये मैच्योर हो जाता है इसके पेरेंट्स उसे अलग सेपरेट कर देते हैं, एंड देन यू ऑल्सो फ्लोट, देन यू ऑल्सो प्रे, फाइंड आउट योर प्रे, आप अपना प्रे निकालो, आप अपना फूड खुद ढूंढो, इस तरीके से सेपरेट किया जाता है. दिस प्रोसेस नाउ इन बडिंग. उस रिप्रोडक्शन को भी यहाँ पे कोई डबल पेरेंट की जरूरत पड़ी क्या? नो, ओनली द सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व. यहाँ पे सिर्फ ओनली वन पेरेंट इज इन्वॉल्व है, जैसे कि हम बहुत इसमें कुछ कुछ इसमें भी देखते हैं, जैसे उसके सिंगल पेरेंट्स की जैसे ही उसके भूपे अगर ऑफस्प्रिंग हो तो उसे क्लोन बीज कहा जाता है. बट दिस वन इज बहुत छोटे छोटे एनिमल्स है तो इसे जो है बडिंग प्रोसेस कहा जाता है. इसके बाद जो है जैसे कि और बहुत सारे हैं, जैसे फिशन होता है, फिशन हम कहा देखते हैं पैरामोशिया में, जैसे बाइनरी फिशन, सिंपल फिशन, लॉन्जिट्यूडनल फिशन, ये फिशन होते हैं एनिमल पैरामोशिया में होते हैं. फ्रेगमेंटेशन जैसे कि प्लानेरिया में छोटे छोटे पार्ट्स में स्लाइड्स होते हैं, प्लानेरिया का कुछ भी पोर्शन अगर कट हुआ हो, सपोज दिस वन इज अ प्लानेरिया, ये पोर्शन कट हुआ, उस छोटे से भी पोर्शन से न्यू ऑर्गेनिज्म रेडी हो जाता है, दैट इज कॉल्ड द फ्रेगमेंटेशन, जो हम प्लानेरिया एनिमल में देखते हैं. रीजनरेशन, रीजनरेशन मीन्स क्या होता है कि हमारा कोई भी लॉस्ट किया हुआ पार्ट फिर से ड
डेवलपिंग हो दैट इज कॉल्ड द रीजनरेशन. जैसे कि हमारे नेल्स कट हो जाते हैं, क्या होता है, फिर से नेल आ जाते हैं, बाल काटते हैं, देन अगेन इट्स अ हेयर इज ग्रोइंग आउट. वो हमारे रीजनरेशन की कैपेबिलिटी है. उसी तरह कुछ एनिमल्स में रीजनरेशन से पूरी बॉडी रेडी हो जाती है, दैट इज नो इकोनोडर्मी. जैसे कि हम स्टार फिश, शीप, ये ओशनिक एनिमल्स इसमें देखते हैं स्पोर फॉर्मेशन, जो कि छोटे छोटे स्पोर्स रेडी होके फिर से उसमें अंदर रेडी होके बहुत सारे एनिमल्स बाहर निकलते हैं, उसे कहा जाता है छोटे स्पोर फॉर्मेशन से. जैसे कि ग्रीन अल्गी और फंगाई में हमें दिखाई देता है, दैट इज नॉट द स्पोर फॉर्मेशन इन द लोअर एनिमल्स. इसका एडवांटेजेस क्या है? एडवांटेजेस में अगर इसमें सबसे पहले तो ओनली वन पैरेंट इज इन्वॉल्व, कोई दूसरा पेरेंट्स नहीं होता है, देन faster than the sexual reproduction. अब only single parent जब वो mature हो जाता है तो अपने offspring को produce करता है, किसी और दूसरे parents के ऊपर वो depend नहीं रहता है. That's why it is a faster sexual reproduction से. दूसरा है population जो है वो increase rapidly होगी जब favorable condition हो जाए. अगर favorable condition हो तो population एकदम से fast growth हो जाएगी. ये इसका एक और एक एडवांटेज. दूसरा और ये है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमारी एनर्जी और टाइम वेस्ट नहीं जाता टू फाइंड आउट द मेट. जैसे कि मेल हो तो उसको फीमेल को सर्च करना पड़ेगा, या फीमेल हो तो उसे मेल सर्च करना पड़ेगा, तभी हम रिप्रोडक्शन कर सकते हैं. बट हियर इज नॉट रिक्वायर्ड, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ ओनली वन पैरेंट इज रेडी. जब वो मैच्योर हो तब वो अपने ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस कर सकते हैं. और इसी तरह से हमारा ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन पोर्शन यहाँ पे खत्म. थैंक यू.